हेलो फ्रेंड्स चलिए आज पुरानी साड़ी और चुन्नी से एक प्यारा सा डोरमेट बनाना सीखेंगे जो बनाने में बिल्कुल ईजी है जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हुए हैं और मैंने यहाँ पे ये आठ नंबर मोटी वाली सिलाई ली हुई है ये देखिए आप देख सकते हैं तो इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा एक नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सिखाएंगे जो बनाने में बिल्कुल ईजी है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखिए मैंने इस तरह से ये चुन्नी को इस तरह से कट कर लिया है चौड़ी पट्टी में अब ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी एक नोट लगाएंगे एक ही फंदे से मैं आपको ये प्यारा सा एक नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी ये देखिए तो ये इसको बनाना बिल्कुल इजी है बिगनर्स भी आराम से इजी इजी तरीके से इसको बना सकते हैं तो देखिए यहां से हम इसमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस तरह से रोल कर देंगे अब हमने क्या करना है अपना सलाई पे फंदे को चढ़ाते हुए इस तरीके से इसको बनाते हुए जाना है हमने बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा एक नएड जान का ये पायदान बता रहे हैं आपको पुराने चुन्नी और साड़ी से इजी तरीके से ये देखिए मैं यहाँ पे पुरानी चुन्नी का यूज कर रही हूँ इस तरह से कलर आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है हर बार हम इसी तरह से दोनों साइड से अपना फंदा बढ़ाते हुए कंप्लीट करूंगी ये देखिए ऐसे बनाऊंगी जिससे हमने फंदा डाला था वो अंदर की तरफ ही हमने रोल कर लिया है पट्टी को ये देखिए हर सिलाई पे ये देखिए इस तरह से हर सिलाई पे दोनों साइड से हम अपना फंदा इसमें बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए ये देखिए एक ही फंदे से यहाँ पे दो दो फंदे हो चुके हैं तीन चार पाँच सात और ये आठ एक ही फंदे से आठ फंदे यहाँ पे हो चुके हैं ये देखिए इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ अपना बनता चला आ रहा है ये देखिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद सिलाई पे चढ़ाते हुए हम आगे की बुनाई करेंगे तो चलिए थोड़ा सा हम ऐसे ही इसको बनाते हुए लंबा कर लेते हैं फंदे आप जितना बढ़ाना चाहें उस तरह से हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं तो आइए मैं दोनों साइड से इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ फंदा बढ़ाते हुए यहाँ पे नौ फंदे हो चुके हैं ये देखिए तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना अठारह फंदे बढ़ा लिए हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह 18 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं अगर आपने इससे भी बड़ा बनाना है तो आप अभी और भी दोनों साइड से फंदे बढ़ा करके इसको और भी लंबा कर सकते हैं और यहाँ पे ये देखिए आप सिलाइयाँ गिन के बता देती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं दोनों तरफ की यानी कि सोलह सिलाइयाँ अब ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे इतना बड़ा हमने इसको बना लिया है यहीं से हम क्या करेंगे अब तो देखिए अब कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे यहाँ से मुझे इसी तरह से ये देखिए मैं आपको पट्टी भी बता रही हूँ किस तरह से लगा के इसको हमने रोल करना है ये देखिए ऐसे अब इसमें मैं अब कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी अब इसकी बुनाई हम ऐसे ही करेंगे बिना फंदा बढ़ाए हुए इस तरीके से बिना फंदा बढ़ाए हुए अब यहाँ पे हमने एक फंदे से ही अपना अठारह फंदा कर लिया है अब 18 फंदे में आप अगर और भी फंदा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें जैसे कि आपने बीस फंदे छब्बीस फंदे इस तरह से आप फंदे यहाँ पे बढ़ा लें और भी बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम अट्ठारह फंदे से हुई अब कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे अब इसी तरह से इसकी हम बुनाई करेंगे ये देखिए पहले फंदे को हमेशा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ घुमाते हुए इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे तो इसको ऐसे ही हम बनाते हुए कुछ नहीं करना है अठारह फंदों को ऐसे ही हम बुनते हुए चले जाएंगे तो आइए मैं इसको थोड़ा लंबा कर लेती हूँ बनाते हुए उसके आगे आपको फिर दिखाते हैं बहुत ही काफी सुंदर लगता है बनने के बाद और इसे इजी तरीके से बिगनर्स भी आराम से इसको अच्छे से बना सकते हैं तो आइए हम इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं बनाते हुए फिर मैं आपको उसके बाद फिर से दिखाती हूँ ये देखिए हर बार हमने फंदे को उतारना है और धागा अपनी तरफ घुमाते हुए उल्टा उल्टा इसको बुनाई करना है तो चलिए इसको हम ऐसे ही बनाते हुए थोड़ा लंबा कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना लंबा इसको बनाते हुए कर लिया है ये देखिए अगर आपने और भी ज़्यादा इसको बढ़ाना है ऊपर तो और आप सिलाइयाँ यहाँ पे बना सकते हैं ये देखिए मैं यहाँ पे आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस सलाईयां मैंने बना ली हैं यहाँ से जहाँ से मैंने फंदा बढ़ाना बंद किया था वहाँ से मैंने बीस सलाईयां बना ली हैं यानी कि दोनों तरफ की चालीस सलाईयां मैंने बना ली हैं अब ये देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे मैंने फंदा बढ़ाया था सेम तरीके से इधर की साइड से वैसे ही अब यहाँ से हम हर सिलाई पे अपना दोनों साइड से फंदा घटाते हुए जाएंगे और बाकी के फंदे हम सभी उल्टा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पे अपना फंदा हर बार घटाते हुए कंप्लीट करेंगे इसको अगर और भी लंबा करना है तो आप इसी तरह से और इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो अब मैं ऐसे ही दोनों साइड से फंदा बढ़ाते हुए जब यहाँ पे हमारा एक फंदा रह जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो दोनों साइड से जैसे मैंने सिलाई पर चढ़ाते हुए फंदा बढ़ाया था वैसे ही दोनों साइड से हम घटाएंगे फंदे को ये देखिए इस साइड में आ गई हूं तो इस साइड भी हम दो का एक कर देंगे ऐसे तो ऐसे ही दोनों साइड से फंदे घटते हुए जब बीच में यहां पे एक रह जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे तो कर लेती हूँ मैं इसको ऐसे ही बहुत ही इजी और एकदम आसान है बनाने में और बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर भी लगता है तो आइए मैं कर लेती हूँ इसको ऐसे ही बाकी आपने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है दोनों साइड से फंदा घटाना है हर बार हर सिलाई पे और उल्टे उल्टे बनाते हुए जाना है ये देखिए इस साइड हम फिर से आगे हैं तो इस साइड हम दो का फिर से एक करेंगे हर सिलाई पे हर बार ऐसे ही घटाते हुए इसको बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीन फंदा हमारा रह गया है अब ये देखिए दो रह गए हैं अब यहां पे मैं दो का एक कर दूंगी इस तरह से ये देखिए और यहीं से हम अपना इसमें अपना नोट लगा देंगे इस तरीके से अब ये देखिए यहाँ पे इस धागे को हम कट कर देंगे अब ये जो मैंने पिंक कलर लिया है इसे मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको लगाना है तो देखिए मैंने यहाँ पे ये अपनी तीन पट्टियाँ ली हुई हैं और इसमें हम यहाँ पे अपना एक नोट लगा देंगे अगर आप नोट लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे सुई से भी सिलाई कर सकते हैं अब ये देखिए इसको हम यहाँ पे अपना चोटी की तरह बना लेंगे इस तरह से बाद में हम इस नॉट को कट करके यहाँ पे टेबा भी लगा सकते हैं तो चलिए मैं इसको चोटी की तरह गून लेती हूँ इस तरह से तो देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे किसी चीज़ से हम यहाँ पे अटका करके इसको चोटी की तरह पूरा ऐसे ही गोल लेते हैं और उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से चोटी की तरह बुन लिया है इसको एक डोरी बना ली है इस तरह से अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ ये सुई की मदद से ये लगाना है ये देखिए बहुत ही आसानी से ये सिलाई हो जाएगी इसकी ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पे लाके हम इसको सिलाई कर देंगे तो कोई भी धागा लेके आप इसको सिलाई कर ले अगर इसी बिना इसके चोटी के बिना यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी यूज इसको कर सकते हैं तो यहाँ पे ये देखिए किसी भी तरह से यहाँ पे ये देखिए हर उससे निकाल के इस तरह से सिलाई कर लेनी है भूल का धागा लेकर के सिलने के बाद ये एकदम बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे फिट हो जाएगी ये देखिए ऐसे तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ